नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आंवला खाने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, आंवला खाने से किन किन चीजों का निवारण होता है। तो हमने इस वीडियो में आपको कुछ आंवला के बारे में जानकारी आपको दी हुई है, तो चले शुरू करते हैं। स्टोन ब्रेकर के रूप में भी जाना जाने वाला भूमि आंवला गुर्दे की पथरी के जोखिम को कम करने के लिए अच्छा है। यह मैग्नीशियम और पोटेशियम के मूत्र उत्सर्जन को बढ़ाता है और हाइपरऑक्सालुरिया के रोगियों में मूत्र ऑक्सालेट को कम करता है। भूमि आंवला का सेवन मूत्र पथरी को कम करने में भी मदद करता है। खाली पेट में आंवला खाने के फायदे। इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए मजबूत। खाली पेट में आंवला के सेवन से आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। पाचन तंत्र रखे दुरुस्त, हड्डियां बनाए मजबूत, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। एक दिन में कितना आंवला खाना चाहिए? यह विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत है। इसे आप कच्चा भी खा सकते हैं, जूस निकालकर भी, या फिर मुरब्बे के रूप में भी। कहते हैं कि हर रोज आंवला जरूर खाना चाहिए। आंवला खाने से क्या क्या लाभ होता है? हर दिन कच्चा आंवला खाने या इसका जूस पीने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। इसके अलावा ये सांसों की दुर्गंध भी दूर करता है। ब्लड शुगर को करे कंट्रोल। आंवला में क्रोमियम नाम का तत्व पाया जाता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी उपयोगी होता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए आंवला एक बेहतरीन फल है। आंवला कब नहीं खाना चाहिए? रविवार, शुक्रवार और षष्ठी को आंवला नहीं खाना चाहिए। आंवला खाने का सही समय क्या है? आंवले का सेवन सुबह खाली पेट करना सबसे ज्यादा लाभप्रद माना जाता है। सुबह खाली पेट आंवला खाने से यह पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने और बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा आप दिन में किसी भी समय इसका सेवन कर सकते हैं। आंवला गर्म है या ठंडा? आंवला ठंडा है या गर्म? अध्ययनों के अनुसार आंवला एक प्राकृतिक शीतलक है, जो आपके शरीर के तापमान को काफी कम करता है। इसे गर्म पानी और शहद के साथ मिलाकर त्रिफला के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह फ्लू के लिए एक प्रभावी इलाज के रूप में भी काम करता है, क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। आंवला के बाद क्या नहीं खाना चाहिए? आंवला के कुछ तत्व डिहाइड्रेशन भी बढ़ाते हैं, इसलिए आंवला खाने के बाद ढेर सारा पानी पीने की सलाह दी जाती है। क्या आंवला खून पतला करने वाली है? अपने एंटीप्लेटलेट गुणों के कारण भारतीय आंवला आपके खून को पतला कर सकता है और सामान्य रक्त के थक्के को रोक सकता है। क्या आंवला का कोई साइड इफेक्ट है? इससे बालों का झड़ना, खुजली, रूसी और बालों से जुड़ी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। फल में कुछ यौगिकों से निर्जलीकरण भी हो सकता है, इसलिए आंवला का सेवन करने के बाद ढेर सारा पानी पीने की सलाह दी जाती है। सुबह खाली पेट आंवला खाने से क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से युक्त आंवले का प्रतिदिन सुबह खाली पेट सेवन करने से न केवल चयापचय क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है, बल्कि यह हृदय रोगों के खतरे को भी कम करने के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा आंवले का सेवन आपको सर्दी, खांसी सहित वायरल और बैक्टीरियल बीमारियों से बचाने में सहायक होता है। हम रोजाना कितने आंवला खा सकते हैं? आप रोजाना सुबह 1-2 आंवला फल खा सकते हैं। 2 से अधिक न खाएं, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है और इससे कब्ज हो सकता है। साथ ही पूरे दिन खुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। हमें रात में आंवला क्यों नहीं खाना चाहिए? आंवले के ठंडे गुण और कसैले स्वाद के कारण रात में आंवले का रस पीने से बचें। आंवला जूस कब नहीं पीना चाहिए? आंवला जूस के नुकसान। सर्दी जुकाम होने पर न पिएं। आंवला शरीर को ठंडक प्रदान करता है और शरीर के तापमान को कम करता है। एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। जो लोग पहले से पेट में गैस या एसिडिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, इससे समस्या गंभीर हो सकती है, जिससे हॉट बन जैसी समस्याएं भी हो सकती है। खाना खाने के बाद आंवला खाने से क्या होता है? इसमें एक संतरे की तुलना में 8 गुना अधिक विटामिन सी होता है और एक आंवले में संतरे से 17 गुना अधिक एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन सी के साथ साथ इसमें कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसे मनुष्य के लिए प्रकृति का एक वरदान माना जाता है। यह गुणों की खान है। सर्दियों में इसका सेवन और ज्यादा फायदेमंद होता है। क्या आंवला जूस पेट की चर्बी कम करता है? इसके पोषक तत्वों के कारण आंवला एक उत्कृष्ट पेट वसा से लड़ने वाला सुपरफूड हो सकता है। विटामिन सी विषाक्त पदार्थों और सूजन से लड़ने और चयापचय को बढ़ावा देने के लिए आपकी प्रतिरक्षा को शक्ति देता है। क्या हम उबला हुआ आंवला का पानी पी सकते हैं? आंवला का पानी पीने से कब्ज और IBS जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। आंवला या भारतीय आंवले में एंटीवायरल गुण होते हैं, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं। अदरक और शहद के साथ आंवला का पानी पीने से सर्दी और गले में खराश जैसी सांस की समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। आंवला में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं?
आंवले में मौजूद विटामिन। विटामिन सी आंवले में संतरे और नींबू के मुकाबले कई गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन ए को आंखों के लिए लाभदायक माना जाता है। विटामिन ई आंवले में विटामिन ई भी मौजूद होता है। आयरन आंवले में आयरन भी अधिक मात्रा में मौजूद होता है। फाइबर, कैल्शियम। आंवले के 8 प्रभावशाली स्वास्थ्य लाभ। 1. अत्यधिक पौष्टिक। 2. फाइबर में उच्च और कैलोरी में कम। 3. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। 4. रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। 5. आपके मस्तिष्क की रक्षा कर सकते हैं। 6. एंटी कैंसर प्रभाव हो सकता है। 7. आपके दिल के लिए अच्छा है। 8. अपने आहार में शामिल करना आसान है। और YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।